दोस्तों, ये आपकी तकदीर है जो आप अपनी मेहनत से लिख रहे होंगे, ये आपकी तकदीर है जो आप अपनी मेहनत से लिखोगे। ये चिट्ठी नहीं है, ये चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा दोगे। मेहनत तो आपको अपने हिस्से की खुद करनी होगी, और मेहनत करने से तकदीर बदलती है, हाथों की रेखाएं बदलती हैं, ये तो आपने सुना होगा ही। तो करो यार, खूब सारी मेहनत करो। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारी मुलाकात हुई एक बार फिर से केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। आज की हमारे इस प्यारी सी मुलाकात में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जान रहे होंगे, एनथ ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। करें स्टार्ट फिर। चलिए, नोटबुक और पेन जल्दी से निकाल लो और देख लो यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। हाँ, अपने क्लास नोट से देख लो आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, कौन कौन से फॉर्मूला एक्सप्रेशन मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे। जितना मुझे याद है, मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले तो रेट लो लिखना सिखाया था, माइनस डी कंसेंट्रेशन आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इन टू कंसेंट्रेशन आर रेज टू पावर वन। फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट करने से ये वाले शानदार रिजल्ट हमें मिल रहे थे, के टी इज इक्वल टू 2.303 लोग कंसेंट्रेशन आर नोट बाय कंसेंट्रेशन आर टी विद बेस 10, या फिर आप बोल सकते हैं के टी इज इक्वल टू 2.303 लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स विद बेस 10। याद आ गया आपको, क्लियर है। इसके अलावा हमने कंसेंट्रेशन आर टी को भी एक्सप्रेस कर लिया था, कंसेंट्रेशन आर नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी, और हमने यार पीटी को भी एक्सप्रेस कर लिया था, कंसेंट्रेशन पीटी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन आर नोट इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी। आई होप आपने भी इस प्रकार से शानदार अंदाज में इन एक्सप्रेशन की बात कर ली होगी, कर ली है। ये तमाम बातें आपने भी कर ली हैं क्या? हाफ लाइफ टाइम भी हमने फाइंड कर लिया था, याद है? हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या मिल पाया था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमें हाफ लाइफ टाइम T1/2 और T50% मिल पाया था, 0.693/K ये मिल पाया था। याद आ गया आपको, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, ये हमने फील भी कर लिया था। क्लियर है बच्चा पार्टी? इंडिपेंडेंट ऑफ, अरे कहीं पर आर नोट नहीं है ना यार, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है ये? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और इस वजह से जब हमने सक्सेसिव हाफ लाइफ की बात की थी तो भैया कंसंट्रेशन आर नोट से आर नोट बाय टू हो, आर नोट बाय टू हो, आर नोट बाय टू से आर नोट बाय फोर हो, आर नोट बाय फोर से आर नोट बाय एट हो, इस प्रकार से हम एक हाफ लाइफ के बाद दूसरे हाफ लाइफ की बात करें, तीसरे हाफ लाइफ की बात करें, रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, कंसंट्रेशन का वेरिएशन ही तो हर हाफ लाइफ के कोरिस्पोंडिंग अलग मिल रहा है, ठीक है, बाकी तो यार चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू वही होगी, क्लियर है। तो ऐसे केस में हम क्या बोल देंगे? ऐसे केस में हम बोल देंगे यार कि हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो हर सक्सेसिव स्टेप के दौरान के की वैल्यू सेम है तो हाफ लाइफ टाइम भी सेम मिल रहा होगा, हाफ लाइफ टाइम भी क्या मिल रहा होगा, कॉन्स्टेंट मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी T1/2 जो हमने कैपिटल टी से इंडिकेट किया, ये 0.693/K से मिल पाएगा। काफी सारे ग्राफ भी हमने ड्रॉ किए थे, उम्मीद है आपने भी काफी सारे ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। अब यार मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो फॉर्मूला आप लिखते हैं KT इज इक्वल टू 2.303, अब मैं आपको यार आज के सेशन में यहां से कुछ नई नई बातें बताने स्टार्ट करूंगा और आपको मजा आ जाएगा, देखना आज के इस प्यारे से सेशन में, मुलाकात में आपको मजा आ जाएगा, कुछ नई बातें आप जानेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको बेहद आसानी होगी, इन तमाम बातों को अगर आप जान रहे होंगे तो।
जानेंगे आप? वेरी गुड, प्यारे बच्चे हैं, जानेंगे। देखिए 2.303 लोग कंसंट्रेशन आर नोट बाय कंसंट्रेशन आर टी विद बेस 10। एक फॉर्मूला तो ये है, और इसको आप इक्वेट कर पाएंगे 2.303 लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स विद बेस 10, है ना। आर नोट की बजाय अगर स्मोले लिखा जाए, आर टी की बजाय अगर हम ए माइनस एक्स लिख रहे होंगे तो ये कुछ गलत नहीं होगा। जो आर टी है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है, ये वह कंसंट्रेशन नहीं है जो कंज्यूम हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी, जो टाइम आपने यहां पुट किया इस टाइम टी पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ये आर टी है। कंज्यूम हुई कंसंट्रेशन क्या होगी? दैट इज एक्स, ये होगी कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन, कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन इज एक्स एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज आर टी। ये क्या होगी? ये होगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, ये रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी। क्लियर है? तो अगर कहीं आपसे ये पूछा गया है कि T75% आप फाइंड कर दो, तो आप कैसे फाइंड कर रहे होंगे? ध्यान से सुनिए, अगर कहीं आपसे पूछा गया है कि T75% आप फाइंड कर दें, मतलब 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, तो कितना बचा, बचा कितना होगा? रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी? जो इनिशियल है उसका 25% ही तो रिमेनिंग होगा। अगर 75% अगर ये कंज्यूम हो जाता है, 75% अगर ये कंज्यूम हो जाता है, तो 25% ही तो बचा होगा, 25% ही तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन मिल रही होगी। हाँ यार, इनिशियल कंसंट्रेशन का हमें 25% कंसिडर करना होगा। तो यहां तो हम आर नोट पुट करेंगे, तो जब ये T75% की बात करनी है, मतलब 75% तक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, मतलब 25% तक रिएक्टेंट बचे, तो आर टी को आर नोट इंटू 25/100 ये पुट करना होगा। क्लियर है? या फिर यहां अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, तो कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन अगर 75% है, तो A इंटू 75/100, देखना 75% जो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ तो रिमेनिंग कितना होगा, A में से A इंटू 75/100 आप माइनस कर रहे होगे, तो A इंटू 25/100 ही आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है? तो या तो डायरेक्ट आप आर नोट इंटू 25/100 आर टी को लिख दो, या फिर ऐसे लिख लो 75% कंज्यूम हुआ, तो A में से A का 75% आप माइनस कर रहे होगे, तो यहां से भी आपको 25% आपको ये का मिल रहा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आपको 25% मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई आपको कहे कि भैया 87.5% अगर कंज्यूम हो जाए, तो इसकी कोरस्पोंडिंग टाइम निकाल दो, मतलब T87.5% आप निकाल दो, ये पूछा हो आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे ये पूछा हो तो आप क्या करेंगे? 2.303 लोग कंसंट्रेशन आर नोट बाय, ठीक है, इतना कंज्यूम हो गया, तो 100 में से इतना माइनस कर रहे होंगे, तो 12.5% रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का 12.5% ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन मिल रही होगी। ठीक है? 2.303 लोग ए अपॉन ए माइनस, देखना ए का 87.5% अगर ये कंज्यूम हो जाता है, तो इतना ही तो बचेगा यार, 12.5 ही तो बचेगा, तो जो आर टी है ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो यहां आर नोट इंटू 87.5/100 पुट नहीं करेंगे, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, इतनी कंसंट्रेशन तो कंज्यूम हो गई है, तो 100 में से कंज्यूम्ड को आप माइनस कर लो, रिमेनिंग आ जाएगी, रिमेनिंग की परसेंटेज आ जाएगी, और इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट है, तो 12.5% कंसंट्रेशन बचे, तो आर नोट इंटू 12.5/100, हाँ ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी। या फिर ए में से ए इंटू 87.5/100, ऐसा करने से आपको यहाँ रिमेनिंग कंसंट्रेशन मिल रही होगी। क्लियर है बात? तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। तो सिमिलर मैनर में अगर आपको
93.75% फाइंड कर रहा हूं, मतलब इतने परसेंट कंज्यूम हो जाए तो क्या करेंगे, 2.303 लोग यहां इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नोट है, तो इतने परसेंट अगर कंसेंट्रेशन या कंज्यूम हो जाए। हाँ, ये क्वेश्चन है कि अगर 93.75% अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितने परसेंट मिल रही होगी, रिमेनिंग क्या होगी, 6.25। हाँ, रिमेनिंग होगी 6.25, तो आर नोट का 6.25% ये रिमेनिंग होगी, और यहां रिमेनिंग ही पुट करनी है, इतनी कंज्यूम हो जाए तो यहां देखना रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ही हमें पुट करनी है, तो यहां से हमें T93.75 मिल जाएगा। तो काय को टेंशन ले रहे हो, कर लोगे यार, आप कुछ भी दिया हो, T99.9% ही क्यों ना दिया हो, T99.9% ही क्यों ना दिया हो, इसको भी आप देख लेंगे। हाँ, इसको भी आप सोल्व कर लेंगे कैसे, 2.303 लोग आर नोट बाय क्या आएगा, कितने परसेंट रिमेनिंग होगा, इतना कंज्यूम हो जाए तो 0.1% ये रिमेनिंग होगा, तो क्या करेंगे ऐसे केस में, आर नोट इंटू 0.1/100। हाँ भैया, 100 में से इतना माइनस किया तो 0.1% ही तो रिमेनिंग होगा, तो इनिशियल का 0.1% ऐसे ही तो लेंगे, क्लियर है। अगर कहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि टी 1/9 निकाल दो, मतलब जब 1/9 पोर्शन रिएक्टेंट का 1/9 हिस्सा कंज्यूम हो जाए, वह टाइम निकाल दो, तो क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर यार आर नोट है और 1/9 हिस्सा चला गया तो कितना बचा, 1 - 1/9, 1 का 1/9 हिस्सा चला गया तो 8/9 हिस्सा बचा। हाँ, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल का 8/9 टाइम्स, ऐसा काम हम लोग कर रहे होंगे। या फिर इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो पूरा लिख लो, किसने बना किया, a अपॉन a माइनस एक्स, यहां कंज्यूम्ड को आप एक्सप्रेस कर लो, 1/9 पार्ट अगर कंज्यूम हुआ है इनिशियल का तो a इंटू 1/9 आप लिख रहे होंगे, तो 8/9 इंटू a ही तो यहां से मिल जाएगा। हाँ, यही तो मिल जाएगा रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, आपको यही तो मिल जाएगी, तो यहां से आप आसानी के साथ T1/9 फाइंड कर लोगे, क्लियर है। अब आपको यार ये याद रखना है, या कैलकुलेट करके आप देखना चाहे तो कर भी सकते हैं आप कैलकुलेट, आपको यही मिलेगा, है ना, डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, न्यूमेरिकल में कहीं T75% फाइंड करना हुआ, T50% का फॉर्मूला हमारे पास है और ये रेशियो आप जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के केस में T75% / T50% ये रेशियो 2 के इक्वल मिलता है, ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ बिंदास, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, T87.5 / T50% ये 3 के इक्वल मिला होगा फर्स्ट ऑर्डर के केस में, और T93.75 / T50 ये 4 के इक्वल मिला होगा। तो इस प्रकार से आप यार इन रेशियोज को याद कर लो, T75% यहां से निकाल लोगे, T87.5% यहां से निकाल लोगे, T93.75% आप यहां से निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इनको आप यहां से निकालने में कामयाब हो जाओगे, इसको निकाल लोगे यहां से, इसको फाइंड कर लोगे यहां से, इसको फाइंड कर लोगे यहां से, क्लियर है बात, अरे ये कहानी क्लियर है क्या, चलें फिर आगे, ये कहानी अगर आपको क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे। एक एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव कर दो यार T99.9% ये जो है ये T50% का 10 टाइम्स होगा, ये T50% का 10 टाइम्स होगा, मतलब इनका रेशियो लेने पर ये अप्रोक्सीमेटली आपको मिल रहा होगा 10 के इक्वल, ठीक है। हाँ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो ये भी सिमिलर मैनर से आप लोग यार एक्सप्रेस कर पाएंगे, यहां से T99.9% आप फाइंड कर लो और T50% का फॉर्मूला तो है ही, रेशियो लेकर देखो अप्रोक्सीमेटली ये 10 गुना होगा, हाँ 10 टाइम्स होगा, ये मिल जाएगा आपको, क्लियर है। तो इसको भी याद रखना चाहो तो इसको भी आप लोग यार याद रख सकते हो, नहीं तो ये वाले रिलेशन तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार ये आया है, हाँ ये आया है, तो ऐसे केस में क्या करना है,
50% का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको आप फाइंड कर लो, ठीक है, और दो गुना कर दो, 75% मिल जाएगा। ये आ जाए तो क्या करेंगे, 50% का तीन गुना कर दो। ये पूछा हो तो क्या करेंगे, ये आ जाए तो एग्जाम में चार गुना कर दो, 50% का, और 50% का फॉर्मूला आप जानते हो, क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये पूछा हो 10 गुना कर दो इसका, आ गया आंसर। अरे वाह, मतलब ये शॉर्टकट है बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व करने का, एक डायरेक्ट तरीका होगा जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने का, एक शानदार तरीका होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यार बात कर रहे होंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आसानी के साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा क्या, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अल्फा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ये अल्फा है। और अल्फा को हम इंडिकेट कर रहे होंगे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ध्यान से देखना, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड है, ये बेसिकली ध्यान से देखना, जो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड है, ये हमें यार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से मिल रहे होंगे, क्योंकि जो कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रही है रिएक्टेंट की, उससे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन रही है। हाँ, तो जो मोल डिसोसिएटेड होंगे, जो कंज्यूम होंगे रिएक्टेंट के, इसके कोरस्पोंडिंग इन नंबर ऑफ मोल्स के प्रपोर्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिल रही होगी। भैया रिएक्टेंट कंज्यूम होने से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है, ज्यादा मोल रिएक्टेंट के अगर डिसोसिएट होंगे तो प्रोडक्ट के ज्यादा मोल बन जाएंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा मिल जाएगी। और जो टोटल मोल स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के लिए होंगे, इसके प्रपोर्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। हाँ, ज्यादा मोल तो ज्यादा कंसंट्रेशन, कम मोल तो भैया कंसंट्रेशन कम होगी। एक बार फिर से सुन लो, दिक्कत हुई होगी आपको। रिएक्टेंट के मोल डिसोसिएट हुए, जितने कम हुए उतने ही प्रोडक्ट के बन जाएंगे भाई, ठीक है। यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड होंगे। और यार अगर उतने ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड होंगे, उन नंबर ऑफ मोल्स के कोरस्पोंडिंग ही तो कंसंट्रेशन होगी। ज्यादा मोल अगर बन रहे होंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन मिल रही होगी, कम मोल बन रहे होंगे तो कम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की मिल रही होगी। यानी हम लोग इन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड के रेशियो को कंसंट्रेशन के रेशियो से भी रिप्लेस कर पाएंगे। बस अर्थ यह है, यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिल रही है, इनके डिसोसिएट होने से प्रोडक्ट के मोल्स मिल रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट के मोल्स मिल रहे हैं, उसके कोरस्पोंडिंग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की मिलेगी, ठीक है। और ये जो टोटल मोल स्टार्टिंग में है रिएक्टेंट के, इसके कोरस्पोंडिंग रिएक्टेंट की स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन होगी, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, आर नॉट होगी। कोई टेंशन नहीं है, मोल का जिस प्रकार से रेशियो लेते हैं उसी प्रकार से कंसंट्रेशन का रेशियो भी ले पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। पूरे कंटेनर में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे तो कंटेनर की वॉल्यूम या कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसकी जो वॉल्यूम है ये सेम होगी दोनों के लिए। हाँ, सॉल्यूशन की वॉल्यूम सेम होगी दोनों के लिए, तो वी से वी तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। ध्यान से देखोगे ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल के रेशियो को हमने कंसंट्रेशन के रेशियो से एक्सप्रेस कर लिया। और पीटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, आर नॉट इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी। याद होगा लास्ट सेशन में हमने इसको एक्सप्रेस किया था, लास्ट सेशन में हमने इसको एक्सप्रेस किया था, याद होगा आपको, याद होगा, याद होगा, याद होगा। ये मैंने यहां भी आज के शानदार सेशन में बताया है, देख लो। पीटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी, इसको एक्सप्रेस करना हम जानते हैं, और ये तो आर नोट है। तो देखना रेशियो लेने पर आर नोट से आर नोट कैंसिल हो रहा होगा और एल्फा यहां से मिल रहा होगा वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी। एल्फा हमें ये मिल रहा होगा, एल्फा हमें ये मिल रहा होगा, और देख लो एल्फा लेस देन वन है।
हाँ, अल्फा कभी वन से बड़ा नहीं होगा भैया, वन से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल तो हमेशा ज्यादा ही होंगे भैया, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन तो ज्यादा ही होगी, जो कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई है रिएक्टेंट की, है ना, उसके कोरस्पोंडिंग तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड होंगे, और उसके कोरस्पोंडिंग ही तो हमें यार प्रोडक्ट की इंक्रीज कंसेंट्रेशन मिल रही होगी। हाँ, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई, उतनी ही प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के इंक्रीज हो गए। तो मतलब रिएक्टेंट के डिसोसिएटेड मोल्स के कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड होंगे, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड के कोरस्पोंडिंग कंसेंट्रेशन पीटी होगी। क्लियर है? और यहां देखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन के कोरस्पोंडिंग ये इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की आर नॉट होगी। नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो ये वाली कंसेंट्रेशन ज्यादा, ये वाले नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड ज्यादा तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल के रेशियो को हम कंसेंट्रेशन के रेशियो से रिप्लेस कर पाएंगे। हाँ, सेम प्रपोर्शन में कंसेंट्रेशन वेरी करती, जिस प्रपोर्शन में नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते हैं उसी प्रपोर्शन में कंसेंट्रेशन भी वेरी कर रही होगी। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को कंसेंट्रेशन के रेशियो से एक्सप्रेस करते हैं तो कोई एतराज नहीं है। तो पीटी को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया, डिराइव हमने लास्ट सेशन में कर ही लिया था, आर नोट से डिवाइड किया तो अल्फा हमें मिल गया 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। 1 माइनस समथिंग है तो इसका मतलब अल्फा लेस देन 1 है, और ये डिनोमिनेटर बड़ा है, टोटल मोल ज्यादा ही तो होंगे, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड से टोटल मोल तो ज्यादा ही तो होंगे। तो ऐसे केस में देखना अल्फा लेस देन 1 मिल रहा है, अल्फा लेस देन हमें 1 मिल रहा है। क्लियर है बात? अरे ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, याद रखना इसको, आगे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे होंगे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपने जान लिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलेंगे? ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट इज टेकन इन एक्सेस। ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी हो, एक्सेस अमाउंट हो, then such type of first order reaction are named as pseudo first order reaction। मतलब यार theoretically देखने में ऐसा लग रहा है कि order कुछ higher होगा, second होगा या कुछ higher order होगा, लेकिन जब हम practically देखते हैं कि कौन सा rate law obey हो रहा है, कौन सा order follow हो रहा है, तो ऐसे केस में first order मिलता है। इसका हमारे पास यार एक शानदार example है। अगर एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एस्टर को हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो ये इसका एक शानदार एग्जांपल है, आर सी ओ ओ आर डैश। ठीक है, ये एस्टर है और एच थ्री ओ प्लस एक्सेस, इससे हम हाइड्रोलाइज कर रहे हो। वैसे मैंने रेट लो में बताया था जिसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, यार समंदर की तरह है ना, उसमें कुछ और मिलाएंगे कुछ निकालेंगे, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसको रेट कांस्टेंट के साथ मिला देना चाहिए। हाँ, रेट कांस्टेंट के साथ मिला देना चाहिए, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन के वेरिएशन से रेट चेंज नहीं होगी। यहां देखिए, इस प्रकार से प्रोडक्ट बन रहा होगा तो रेट लो लिखना है, तो रेट लो इस प्रकार से लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर रेस टू पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस रेस टू पावर 0 लिखना होगा। अगर आपने 1 लिख दिया है तो आपने गड़बड़ कर दी है। क्या घोटाला आपने किया? घोटाला आपने ये किया कि भाई ये तो लार्ज क्वांटिटी है ना, रिएक्शन के अंदर तो बहुत चुटकी भर ये कंज्यूम हो रहा होगा, है ना, और उसकी कंजप्शन जो है इतनी ज्यादा क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इग्नोर भी की जा सकती है, और डालोगे तो कंज्यूम तो चुटकी भर होना है, बाकी तो फालतू पड़ा रहेगा, बाकी कंसंट्रेशन तो इसके क्या मिल रहेगी, कांस्टेंट मिल रही होगी भैया, कुछ नहीं होगा, और डालोगे ये कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी। तो फिर रेट लो मतलब इसकी कंसंट्रेशन के चेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो थोड़ा बहुत कंज्यूम होना है रिएक्शन के दौरान, कंज्यूम हो गया, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो तो वेस्ट, कितना ही और डाल लो आप, और इसमें से कुछ निकाल भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूम तो थोड़ा सा होना है। हाँ, वो होता रहेगा कंज्यूम, रिएक्शन होती रहेगी उससे। तो कहने की बात यह है कि ये जो कंसंट्रेशन है
ये जो अमाउंट है ये समंदर की तरह है, ठीक है, मतलब इसमें दो बूंद पानी की डाल दें, दो बूंद निकाल लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ वैसा ही है। मतलब ये वाली जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसका एक्सेस अमाउंट बोला गया है, उसकी जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहने वाली है। हल्का फुल्का अगर इसमें वेरिएशन आ भी जाएगा उसको इग्नोर कर देंगे, और वैसे भी इसमें कुछ डालने से तो रिएक्शन की रेट चेंज होनी नहीं है, क्योंकि कंज्यूम तो थोड़ा सा जरा सा होना है, वो तो भैया है ही यहाँ पर, वो खूब सारा उसमें से थोड़ा बहुत कंज्यूम हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। और थोड़ा बहुत इसमें से निकाल लोगे तो भी रेट चेंज नहीं होनी है। क्यों चेंज नहीं होनी है? क्योंकि रिएक्शन में जितना यूटिलाइज होना उतना तो है यहाँ पर, तो रेट चेंज नहीं होनी है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है रिएक्शन के दौरान। तो यार ये कॉन्स्टेंट है तो इसको इस कॉन्स्टेंट के साथ ही लिखना चाहिए मिलाकर। अगर समंदर की तरह है, एक आधी बूंद निकाल देंगे डाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट है तो भैया इसको तो कॉन्स्टेंट को तो एक ही जगह लिखो, बार बार क्यों कॉन्स्टेंट को लिख रहे हो? तो क्या किया, इस कॉन्स्टेंट को इसमें मिला दिया तो ज्यादा अच्छा है। रेट लो को के डैश इंटू कंसंट्रेशन एस्टर रेज टू पावर वन, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लग रही थी इसका एक्चुअल रेट लो ये होगा, कॉन्स्टेंट को हमने रेट कॉन्स्टेंट के साथ मिलाकर लिख दिया है, तो अब जो ऑर्डर दिख रहा है ये वन दिख रहा है, मतलब हायर ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई दे गई है। तो ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोल देंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल देंगे। एक तो यार इसका ये एग्जाम्पल है, एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस कर दो, एक तो ये एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल इसका है आपके सिलेबस में आप हाइड्रोलिसिस कर दो सुगर केन की, सुक्रोज की आप हाइड्रोलिसिस कर दो, C12H22O11+H3O+XS, ठीक है, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दो, एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस में ये है। तो यहां से क्या मिल रहा होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा होगा, C6H12O6+C6H12O6 मिल रहा होगा। कई बच्चे कहेंगे तो सेम सेम बना दिए, अरे भैया मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर जो है अलग मिल रहा होगा, नहीं पता तो बायोमोलिक्यूल का लेक्चर देख लेना, वहां ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में डिटेल में बात कर रखी है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर अलग होंगे। तो इस प्रकार से सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया और एक्सेस अमाउंट में ये दिया हुआ है, तो रेट लो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज रेज टू पावर वन कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ प्लस रेज टू पावर वन, ऐसा लिखा तो भैया गलत बात है, ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है रेट लो लिखने का, क्योंकि इसके वेरिएशन के साथ तो रेट वेरी होनी नहीं है। हल्का फुल्का रिएक्शन के दौरान अगर ये कंज्यूम हो भी रहा होगा, अगर ये चुटकी भर जरा सा कंज्यूम हो भी रहा होगा तो होने दो, क्या टेंशन है, लार्ज क्वांटिटी है, इस लार्ज क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जरा सा कंज्यूम हो भी जाएगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और समंदर के अंदर कुछ बूंद पानी की मिला देंगे कुछ निकाल देंगे कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा। तो भैया ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये इस रिएक्शन के दौरान ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही मेंटेन रहेगी। अगर ये कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगी तो इस कॉन्स्टेंट को तो इसके साथ मिलाकर लिख दो आप, हाँ ज्यादा अच्छा है, इस कॉन्स्टेंट को तो इसके साथ मिलाकर लिख दो, हाँ कॉन्स्टेंट को एक ही जगह लिखो ना यार, अलग अलग क्यों लिख रहे हो आप, तो ज्यादा अच्छी बात है इसको मिलाकर लिख दो, मतलब एप्रोप्रिएट रेट लो जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है ये मिलेगा, और ये एप्रोप्रिएट रेट लो है। तो यहां देखना इसकी खोपड़िया में क्या है, रेट लो में कंसंट्रेशन टर्म की पावर क्या वन है, तो ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमें मिलती है, क्लियर है। तो ऐसी हायर ऑर्डर रिएक्शन जो कि यार फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही हो, है ना, इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर रही है, तो इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे। चले आगे, फिर चलिए आगे चलते हैं, nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, किस रिएक्शन को nth ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n, मतलब
माइनस डी कंसेंट्रेशन आर बाय डी टी। ध्यान से देखना यार, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट पर। एन के साथ प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक किया, कॉन्स्टेंट को मैंने इंट्रोड्यूस किया। ये कॉन्स्टेंट क्या कहलाएगा? रेट कॉन्स्टेंट कहलाएगा। यहां कंसेंट्रेशन टर्म की खोपड़िया में एन मिल रहा है, मतलब इसका एनथ ऑर्डर मिलता है। खोपड़िया में एन मिल रहा है मतलब इसका ऑर्डर एनथ मिलता है। क्लियर हुई बात? अब क्या करना है? इंटीग्रेट करना भैया। इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। क्या इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म काम की है? अरे लिख लो, क्या पता कहीं पर एग्जाम में मिल जाए। चार ऑप्शन में पूछा हो कि इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म आप बता दो। और देखना nth ऑर्डर को अगर आपने जान लिया है तो n की वैल्यू कोई भी हो, 1 बाय 2 हो, 3 बाय 2 हो, कोई भी ऑर्डर है, उसके साथ आप लोग यार डील कर लेंगे, उसको आप टैकल कर लेंगे। मतलब आपकी दिक्कत काफी हद तक यहां से कम हो रही होगी। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर के अलावा कोई और ऑर्डर हो, फिर क्या करेंगे भैया? फिर उस केस में, यहां देखिए जनरलाइज्ड केस में आपको बता रहा हूं, इसको यूज कर लो, इसको इस्तेमाल कर लो, यहां से सारा काम आपका बन रहा होगा। ठीक है, nth ऑर्डर से तो बढ़कर कुछ नहीं है भैया, फिर तो आगे फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस प्रकार की तमाम बातें जो है वो यहां से कर पाएंगे आप लोग। तो इंटीग्रेट करना होगा r रेज टू पावर कंसेंट्रेशन r रेज टू पावर n, इसको डी कंसेंट्रेशन r के साथ लिखो, तो इस तरह बुलाएंगे इसको, तो यहां नीचे मिल रहा होगा ये, हाँ नीचे मिल रहा होगा, ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस एन हो जाएगी इसकी, और डी टी को आप उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा? के इंटू डी टी, के इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो आप इसको जीरो से टी, इंटीग्रेट कर दो आप इसको जीरो से टी, इसको आर नोट से आर टी, इसको आर नोट से आर टी। हाँ, जीरो टाइम है मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस केस में इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की आर नोट होगी। टी टाइम है, किसी भी टाइम टी पर रिएक्टेंट कुछ कंज्यूम हुआ होगा, कंज्यूम होकर जो टी टाइम पर कंसेंट्रेशन रही होगी दैट इज आर टी। ठीक है, इस प्रकार से लिमिट डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये जानते हो क्या आप, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स लिमिट के साथ किया जाए तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन ये मिल रहा होगा। इसको अगर ऊपर लेकर जाओगे तो कंसेंट्रेशन आर रेज टू पावर माइनस एन, हाँ पावर माइनस एन हो जाएगी, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल रहा होगा? कंसेंट्रेशन आर रेज टू पावर माइनस एन प्लस वन, माइनस एन प्लस वन, कुछ ऐसा मिल रहा होगा। माइनस साइन बार है ही, माइनस साइन बार है ही, और लिमिट आर नोट से आर टी हम डालेंगे, लिमिट आर नोट से आर टी हम यूज कर रहे होंगे। राइट साइड क्या मिल रहा होगा? dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होगा, इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट जीरो से t हम पुट कर रहे होंगे। अपर लिमिट डालो या फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालो, याद नहीं करना है इसको, हमें इसको याद नहीं करना है। आई होप आपने अपर लिमिट डाली होगी। तो कंसंट्रेशन rt, फिर माइनस साइन आएगा बीच में, हाँ यहाँ कुछ पावर है माइनस एन प्लस वन, इसको लिखना होगा माइनस एन प्लस वन। फिर आप एक काम करो, लोअर लिमिट डाल दो, आर नोट माइनस साइन आएगा, लोअर लिमिट डाल दी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में माइनस एन प्लस वन तो मिलेगा ही, और पावर देखना माइनस एन प्लस वन है, तो आर टी की पावर माइनस एन प्लस वन है, तो आर नोट की पावर भी भैया यहाँ माइनस एन प्लस वन हो गई। हाँ, यहाँ हमें एक बार तो आर टी पुट करना है, फिर माइनस साइन एक बार हमें आर नोट पुट करना है। क्लियर है? ये पुट किया और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस एन प्लस वन मिल ही रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी माइनस एन प्लस वन होगा, यहाँ भी माइनस एन प्लस वन होगा, तो एलसीएम लेकर मैंने क्या लिख दिया? माइनस एन प्लस वन। अपर लिमिट टी पुट की, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट की, तो राइट साइड हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। और के इसके साथ होगा, हाँ भैया के भी इसके साथ होगा, के भी इसके साथ होगा, याद रखना के इसके साथ है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया होगा, कॉन्स्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी है, तो के इसके साथ होगा, के इसके साथ होगा। क्लियर है? अब एक काम किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस एन है, इस माइनस साइन को यहां कंज्यूम कर लिया जाए तो 1 माइनस एन की बजाय इसको एन माइनस वन लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं भाई। तो आर टी रेज टू पावर 1 माइनस एन माइनस आर नोट रेज टू पावर 1 माइनस एन, ठीक है, कुछ ऐसा मिल रहा है क्या? हाँ कुछ ऐसा ही मिल रहा है,
और नीचे 1 माइनस एन है, लेकिन ये जो बार माइनस था इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो एन माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी। याद करना है तो याद कर लो, मैं तो इसको याद रखता नहीं हूं, वैसे गलती से याद हो गया बात अलग है, ठीक है, लेकिन स्पेशली मैं इसको रिवाइज करते हुए दिमाग पर जोर नहीं डालता हूं कि याद हो जाए, रट लो इसको, इस पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। वैसे याद करना चाहो तो कर लो, एतराज नहीं है, कुछ हादसा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ अगर आप याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अगर यहां से टी वन बाई टू आप देख रहे होंगे, टी 50% देख रहे होंगे, हाँ ये जरूर याद रखना है, टी वन बाय टू और टी 50% आपको मिलेगा तब जब आर टी को आर नोट बाय टू पुट करोगे। हाँ, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन 50% मिल रही हो इसका, मतलब आर टी क्या मिल रही हो, आर टी आर नोट बाय टू मिल रही हो, 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए तो वह टाइम टी हाफ होगा, टी 50% और टी वन बाय टू होगा, तो वह टाइम हमें देखना इनिशियल कंसेंट्रेशन रेज टू पावर, या अगर आर नोट बाय टू आप पुट करेंगे तो आर नोट रेज टू पावर वन माइनस एन यहां है, आर नोट रेज टू पावर वन माइनस एन यहां भी है, तो मतलब ये जो हाफ लाइफ टाइम है ये इनिशियल कंसेंट्रेशन रेज टू पावर वन माइनस एन के साथ प्रोपोर्शनल मिल रहा होगा। ये हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन रेज टू पावर वन माइनस एन के साथ प्रोपोर्शनल मिल रहा होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर के लिए आप एन डालना है यहां पर, हाफ लाइफ टाइम याद है आपको आर नोट बाई टू के मिला था, तो हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला था वहां। यहां भी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है इस एक्सप्रेशन से भी, इस रिजल्ट से भी। और देखिए फर्स्ट ऑर्डर के केस में आप वन डालना, आर नोट की खोपड़िया में जीरो आ जाएगा, मतलब आर नोट गायब, हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ आर नोट मिल जाएगा। हाँ 0.693 बाय के ही तो मिला था, इंडिपेंडेंट ऑफ आर नोट ही तो मिला था। अरे वाह, गजब की चीज है ये तो, बिल्कुल ये गजब की चीज है भाई, ये गजब की चीज है। यहां से आप टी वन बाय टू फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू आर नोट है, ये देख पाओगे, जीरो डालना है पर, और आप यहां से महसूस भी कर पाओगे, अपने आप को फील भी करवा पाओगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रिजल्ट आप जानते हैं हाफ लाइफ टाइम जीरो के लिए, देखना आर नोट के साथ प्रोपोर्शनल मिल रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी वन बाय टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी वन बाय टू इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन मिलता है। और टी वन बाय टू का जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाय के, हाँ यहां भी तो यही है, हार नोट से इंडिपेंडेंट है, या वन पुट किया आपने, ऑर्डर को आपने वन लिखा, फर्स्ट ऑर्डर के केस में एन की वैल्यू वन होगी, तो आर नोट रेज टू पावर जीरो, ठीक है, आर नोट रेज टू पावर जीरो गायब, मतलब आर नोट से हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ यही तो मैंने बताया था पहले, तो एक गजब का रिलेशन हमारे पास है, ठीक है, गजब का रिलेशन है। इस पर टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा होगा, डेटा दिया होगा टेबुलर फॉर्म में, हाफ लाइफ दिए होंगे आपको और इनिशियल कंसंट्रेशन का डेटा दिया होगा, इतनी कंसंट्रेशन हो तो हाफ लाइफ इतना, इतनी हो तो इतना, और आपको ऑर्डर निकालना रहेगा, तो इसको यूज करना है, ठीक है। और गैसियस फेज के केस में आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल है फॉर गैसियस फेज, हाँ फॉर गैसियस फेज ये एप्लीकेबल है, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी, मतलब P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू C, मतलब गैसियस फेज के केस में जहां R नोट है यहां पर P नोट भी हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है, यहां हम P नोट भी लिख पाएंगे,
मतलब T1/2 और T50% हम ऐसे भी लिख पाएंगे। देखिए गैसियस फेज के केस में T50% और T1/2 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन की बजाय इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, रेज टू पावर 1-n, रेज टू पावर 1-n, रेज टू पावर 1-n, कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हम देख लेंगे कि आर नोट को पी नोट से रिप्लेस किया जा सकता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा ये देख लो, कंसंट्रेशन दे रखी इसके कोरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ टाइम, देखिए कंसंट्रेशन वेरी हुई, हाफ लाइफ टाइम चेंज हुआ, तो क्या करेंगे, हाफ लाइफ टाइम 200 है तो कंसंट्रेशन 0.1 है रेज टू पावर 1-n, क्लियर है बात। हाफ लाइफ टाइम 40 सेकेंड है, कब, जब कंसंट्रेशन 0.5 है तो रेज टू पावर क्या होगा 1-n, यही होगा, क्लियर है बात। अब क्या करो, रेशियो ले लो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आंसर मिल रहा होगा, हाँ ये फॉर्मूला हमने यार यूज किया, कुछ कंसंट्रेशन कुछ हाफ लाइफ आपको दिया है, एक केस कंसंट्रेशन हाफ लाइफ आपको दिया, दूसरा केस, हाँ इस प्रकार से दो केस दिए हमें, इन दोनों को सजा लिया इस एक्सप्रेशन में, इसको यूज करते हुए, ठीक है, इसमें हमने इसको और इसको सजा लिया, तो दो रिलेशन मिल गए, इन दोनों को डिवाइड किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, यहां से क्या मिल रहा होगा, यहां से 5^1 इज इक्वल टू 5^n-1, 5^1 यहां से और 5^n-1 यहां से, ध्यान से देखोगे यही मिल रहा होगा, ये इक्वल कब होंगे, 5 तो इक्वल है जब पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो मतलब n-1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकंड ऑर्डर के केस में ही ऐसा कारनामा हो पाएगा, इस प्रकार से हाफ लाइफ टाइम वेरी हो पाएगा कंसंट्रेशन के वेरिएशन के साथ, ठीक है। तो किस प्रकार से जबरदस्त अंदाज में यार हमने इस फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन को यूज कर लिया, ठीक है, इस रिलेशन को यूज कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा, ऑर्डर का हम पता लगा रहे होंगे, अरे ठीक है बात। तो यार आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अपने दिमाग में कैद कर लिया होगा, ठीक है, तो ये रिलेशन बड़ा गजब का रिलेशन है। तो इसी के साथ आज की कहानी पर हम लगा देंगे विराम, अब हमारी मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना खूब सारा ख्याल रखिए यार, और एनर्जी के साथ यार खूब सारी पढ़ाई करते रहो और इस भागदौड़ भरे जीवन में आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।